हेलो एवरीवन, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट यूनिट केमिकल काइनेटिक उसे फिनिश कर लिया था। अब आते हैं अपने सेकंड यूनिट जिसमें हमारे पास एक चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर टू पार्ट्स में है। एक है ये इस बार जो हम फर्स्ट ईयर में करेंगे वो बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आपका अगला पार्ट है वो आप अपने सेकंड ईयर के फोर्थ सेम में करोंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू के नेम से। ओके, यहाँ पर बेसिक है जहां हम बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है, और सेकेंड ईयर में जाकर आप सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल्स कैसे होते हैं, ईएमएफ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहां हमें बेसिक पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और देन पीएच से रिलेटेड। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इससे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ चैप्टर को। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो हमारे पास टर्म आती है, एक टर्म होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। और एक टर्म होती है मेटालिक कंडक्शन। इन दोनों में क्या फर्क है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन एंड मेटालिक कंडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। दोनों में एक टर्म कॉमन है, दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन वर्ड आता है जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अपने में से पास होने के लिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। कंडक्शन मीन्स कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मीन्स दो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। उसी के रिलेटेड टर्म्स आती है हमारे पास कंडक्शन, यानी इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया हमारा, कंडक्शन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो यहां पर एक टर्म तो है कि कंडक्टर है, बट एक है इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड, एक है मेटालिक वर्ड। अब ये दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो डीकम्पोज नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं। उसी के बेस पर यहां पर दो अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है। एक है मेटालिक और दूसरी हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है बट उसमें किसी भी तरह का डीकम्पोजिशन नहीं हो रहा, उसे हम बोलेंगे मेटालिक कंडक्टर्स, या फिर हम बोल सकते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मीन्स दोस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डीकम्पोजिशन। जिनमें इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो बट डीकम्पोजिशन ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटालिक कंडक्टर्स। वो हमारे क्या हो गए, मेटालिक कंडक्टर्स। और इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक। मीन्स इनमें कोई भी डीकम्पोजिशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे इन मेटालिक है तो एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, मेटल्स, ठीक है। मेटल्स हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। देन दूसरी साइड हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोलिटिक, इसका अपोजिट। मींस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और वो क्या देंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे। दोस विच अंडरगो डीकम्पोजिशन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। मीन्स जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, दीज आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ये क्या हो गए हमारे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो हमारे पास दो कैटेगरी आ गई, एक है हमारे पास मेटालिक कंडक्टर्स, दूसरे आगे हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होंगे, जो क्या आ रहे हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो डीकम्पोज हो रही है, यानी यहां पर हमारे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स।
इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक हमारे एसिड्स हो गए, ठीक है, इसके एसिड हो गए, बेस हो गए, ये सारे हमारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अभी जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग एंड अनदर इज वीक। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग, एक होते हैं वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, अब देखो इनमें क्या होना है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इन्होंने डीकम्पोज हो जाना है, ठीक है, डीकम्पोज हो जाना है मीन्स आयन्स में डिसोसिएट हो जाना है। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यानी कि वो क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिसोसिएट। और जो वीक होंगे वो क्या होंगे, पार्शली डिसोसिएट होंगे। कंप्लीट डिसोसिएट हो गए तो वो क्या हो गए, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो पार्शली हुए उन्हें हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है इसके सारे एग्जांपल क्या देंगे, जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस होंगे वो सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। एग्जांपल में आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, लाइक HCl हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग है, HNO3, H2SO4 ये सारे हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग। KOH ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होंगे। वीक यानी कि उसने पार्शली डिसोसिएट होना है, तो इसके एग्जांपल क्या आएंगे, हमारे पास सारे वीक एसिड्स। वीक एसिड लाइक जैसे एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है, ठीक है, आप ले लो फास्फोरिक एसिड H3PO4 ये वीक एसिड है। बेस में लेना है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, ये सारे हमारे क्या है, वीक एसिड्स, वीक बेस और वीक एसिड्स, ठीक है। तो दो कैटेगरी बन गई, एक बन गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की और दूसरी बन गई हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लियर। तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आने पर डीकम्पोज हो जाएंगे, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन शो करेंगे। और इसमें दो कैटेगरी आ गई, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। फर्दर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें आप बोलोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल शुगर, यूरिया, ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। शुगर यूरिया क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, यानी कि मेटेलिक और दूसरा मेटेलिक कंडक्शन। एक वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने पर कभी भी डीकम्पोज नहीं होगा, वो कौन से होंगे, मेटेलिक कंडक्टर, और जो डीकम्पोज हो जाएंगे वो इलेक्ट्रोलिटिक। और फर्दर हमने इनके दो टाइप किए, डन। अब बात करते हैं कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनमें सबसे वाला पहला फैक्टर आता है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अभी हमने पीछे देखा, मैंने दो कैटेगरी बनाई, एक थी स्ट्रॉन्ग एक थी वीक। जो कम्प्लीटली आयनाइज हो रहे थे वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग, और जो वीकली हो रहे थे, पार्शली हो रहे थे, वो कौन से थे, हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो जो स्ट्रांगली होंगे, जो स्ट्रांग वाले होंगे, वो कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, इसीलिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो भी क्या होगी, लार्ज होगी। लिख सकते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज। अगर ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो भी क्या होगी, लार्ज। लार्ज एक्सटेंट में करेंगे। और जो हमारे वीक होंगे लाइक एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया,
वो क्या होंगे, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, वो क्या होंगे, पार्शली आयनाइज होंगे। तो स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉल एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो ये बहुत थोड़ा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, मींस हमारा कैसा नेचर है इलेक्ट्रोलाइट का, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी या कम आएगी। सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट हम चूज कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आएगी या कम। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट को हम पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक है, जितनी ज्यादा उसकी पोलैरिटी होगी सॉल्वेंट की, उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन होगा, और जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा, मीन्स आयन जितने ज्यादा फ्लो करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कंडक्शन होगी। मीन्स मोर इज पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, मोर इज आयनाइजेशन, ठीक है, जितनी ज्यादा आयनाइजेशन मोर इज कंडक्शन। ठीक है, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट की, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, आयनाइज होगा, और जितना ज्यादा वो आयनाइज होगा उतना ही ज्यादा उसका कंडक्शन होगा। थर्ड फैक्टर आता है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, उनका जो आयनाइजेशन कह लो या डिसोसिएशन कह लो, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। आयनाइजेशन इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कंडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो उससे हमारा कंडक्शन वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो थर्ड फैक्टर क्या आ गया हमारा, टेम्परेचर फैक्टर। फोर्थ इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करो, मोर इज कंसंट्रेशन, लेस इज कंडक्शन, ये याद रखना है। मोर इज कंसंट्रेशन, लेस इज कंडक्शन, सारे डायरेक्टली हैं, ये इनवर्सली है। ठीक है, अब मोर इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन यानी कि जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा। अगर उसका अमाउंट ज्यादा होगा तो उनकी आपस की इंट्रेक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मीन्स इंटर आयनिक इंट्रेक्शन इंक्रीजेस। एट कब इंक्रीज होगी, जब कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, एट हाई कंसंट्रेशन। जितना कम होगा हमारे पास, ठीक है, हमारे ज्यादा डिल्यूशन नहीं किए, यानी अमाउंट क्या है हमारे पास कम है, कम होगा तो उतना ही उनको चांस होगा कि वो आपस में क्या करें, इंटरेक्ट करें, और इंटरेक्ट करेंगे तो वापस अपना प्रीवियस फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, अगर वापस आ जाएंगे तो आयन ही नहीं रहे, आयन नहीं रहे तो हमारे पास कंडक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहां पर हमने कहा मोर इज कंसंट्रेशन, लेस इज कंडक्शन, या मैं कह सकती हूं मोर इज डिल्यूशन, इसका उल्टा, मोर इज कंडक्शन। अगर मैं उसको कंसंट्रेट करने की बजाय डिल्यूट कर दूं, वाटर का अमाउंट ज्यादा बना दूं, वाटर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हुआ, हमारे पास अमाउंट ज्यादा हो गया, उनके पास इतना टाइम नहीं रहा कि वो इंटरआयनिक इंटरेक्शन कर सके। जब इंटरेक्शन नहीं हुई तो क्या बन रहे हैं, आयन बन रहे हैं, जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, कंडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर था जो इसे क्या करता था, अफेक्ट करता था। डन, तो ये आ गए हमारे फैक्टर जो हमारे एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं, लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड मेटालिक। ये कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, फैक्टर्स भी पूछ लेते हैं और ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है, तो हम दोनों एक साइड लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, दूसरी साइड ले लिया मैंने मेटालिक। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो होंगे जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे, तो डीकम्पोज्ड ऑन
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या होंगे, डू नॉट डीकम्पोज। ये डीकम्पोज नहीं होंगे, ये क्या आ जाएंगे, डीकम्पोज। तो ये तो पहला डिफाइन है जो हमने पीछे पढ़ा है, वही चीज है। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। अब एक के केस में क्या है, ये क्या हो रहा है, डीकम्पोज नहीं, और ये कम्प्लीटली डीकम्पोज हो रहा है या पार्शली डीकम्पोज हो रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो ड्यू टू आयन तो होगी, साथ में जो हमारा मैटर बन रहा है उसकी वजह से भी होगी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन्स। आयन्स एंड मैटर, मैटर भी तो बन रहा है ना, क्योंकि डीकम्पोज हो गए तो कुछ ना कुछ बनेगा, उसकी वजह से भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्ट होगी। बट इस केस में तो मैटर ही नहीं बना, इसमें सिर्फ क्या आयन। तो इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स कह लो या आयन्स कह लो, उनकी वजह से होगी, इसमें कोई मैटर नहीं है क्योंकि डीकम्पोज ही नहीं हुआ। थर्ड, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि यहां पर जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था तो ये वाला जो कंडक्शन थी वो हमारी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीजेस। ये तो अभी पिछला फैक्टर है ना, वही वाला फैक्टर मैंने यहां पे लिखा। बट इस केस में ऐसा नहीं होता, इसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो मेटेलिक कंडक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज इस केस में क्या है, इसमें मेटल्स है, तो मेटल्स के क्या होते हैं, पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं, कर्नल्स में से जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना होता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है उनमें क्या आ जाती है, मूवमेंट आ जाती है, उनमें मूवमेंट यानी कि वजह से उन वहां पर क्या हो जाती है, हिंड्रेंस हो जाती है। दिस इज ड्यू टू हिंड्रेंस ऑफ कर्नल्स। उनमें क्या आ जाएगी, हिंड्रेंस हो जाएगी। हिंड्रेंस क्या आती है, एक तरह की भीड़ भाड़, जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी उतना ही उनका जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। और जितना फ्लो कम हो गया उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसका जो एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आते हैं जितने भी हमारे HCl, NaOH या एसिटिक एसिड, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों एग्जाम्पल दे सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं जितने भी मेटल्स हैं या ग्रेफाइट, अभी हमने पीछे पढ़ा था वही एग्जांपल दे दो। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इसके केस की हम बात करें जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होते हैं, इनमें होती है हमारी इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जैसे अभी मैंने कंसेंट्रेशन वाले की बात की थी तो उसमें क्या थी, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन थी, उसकी वजह से उसका फ्लो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है तो इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से हो रहा था, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन की वजह से। जब हमने कंसंट्रेशन जब इंक्रीज की थी तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही थी ड्यू टू इंटर आयनिक इंट्रैक्शन, वही चीज है। सेम ऐसे अगर मैं जो सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी बना दूं, उसकी वजह से भी यहां पर हमारा फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, रेजिस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट इसके केस में जो रीजन है रेजिस्टेंस का वो क्या है, अभी हमने ऊपर देखा था वो क्या था, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था तो मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीज हुए थे, बिकॉज इंक्रीज टेम्परेचर पे जो कनल्स थी वो वाइब्रेट होने लगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का वहां पे क्या हो गया, हिंड्रेंस हो गया। तो इसका जो रीजन है वो है वाइब्रेशन इन कनल्स। जब उनमें वाइब्रेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या हो जाएंगे, हिंडर्ड हो जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, भीड़ भाड़ लग जाएंगी, तो इसलिए फ्लो नहीं हो पाएगा, तो ये उसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर एंड मेटेलिक कंडक्टर। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस।
रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के लिए हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से. ओम्स लॉ आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? ओम्स लॉ कहते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. वी यानी कि वोल्टेज, ठीक है, कितनी वोल्टेज होगी और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? करंट की. वी इज वोल्टेज और आई इज करंट. तो कितनी वोल्टेज हमारी जनरेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी है, कितना हमारे पास करंट है उसके. यहां से हम डायरेक्टली का सिंबल हटाते हैं तो V इज इक्वल टू क्या जाता है हमारे पास? आई आर. ये थी मेरी ओम्स लॉ. ये आपने लोअर क्लास में पढ़ी. कई बार V की जगह E लिखा होता है, सिमिलर सिंबल है, और E इज इक्वल टू आई आर लिखा हो तो एक ही बात है, ठीक है. V और E सेम चीज है, यानी कि यह वोल्टेज का ही सिंबल है, अलग नहीं है, ठीक है. हमें किसकी बात करनी है? देयर इज आर, जो हमने लिया है आर है हमारा रेजिस्टेंस. तो मुझे इस आर को निकालना है बिकॉज माई टॉपिक इज रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस. तो मुझे इस आर को निकालना है, दैट आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. व्हाट इज वी? वी इज वोल्टेज एंड आई इज करंट, और आर क्या है? मेरा रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट. तो इन दोनों का क्या आ गया? रेशियो आ गया मेरा रेजिस्टेंस. अब इसके यूनिट्स पे आते हैं. ये है वोल्टेज. वोल्टेज के यूनिट्स होते हैं वोल्ट, कितने वोल्ट की आई हमारे पास, ठीक है. और करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पियर, और रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम. ओम यानी कि ये ओम, ठीक है. तो ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर्स, ठीक है. इसी चीज को एसआई यूनिट में ले लो. नाउ दिस इज इक्वल टू वी अपॉन ए, वोल्टेज अपॉन वोल्ट अपॉन ए, ठीक है. वोल्टेज क्या आती है? कितना वर्क किया पर यूनिट चार्ज. तो बी इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज डिवाइड बाय ए. ए तो है ही चार्ज मेरा, ठीक है. वर्क पर यूनिट चार्ज यानी कि वर्क अपॉन चार्ज कह रही हूं मैं. डन. अब आते इधर. व्हाट इज वर्क? वर्क इज फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एस इंटू ए. कितना चार्ज आया, कितने करंट है, कितना एरिया था, एस, ठीक है, इंटू वन अपॉन ए. ये तो साथ चल ही रहा. डन. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. एफ, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एम इंटू ए इंटू एल अपॉन एस. ए ए का क्या बन गया? ए स्क्वायर. डन. एम मास है, मास किसमें होता है? किलोग्राम में. ए क्या है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेंथ है, लेंथ क्या होगी? मीटर में होगी. एस कितना टाइम पीरियड आया, और इंटू ए स्क्वायर. डन. अब ले लो किलोग्राम. ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो ये क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन. नीचे ए स्क्वायर तो था ही, ये एस की पावर माइनस टू है, नीचे आगे प्लस टू हो जाएगी, प्लस टू और ये प्लस थ्री, तो एस की पावर प्लस थ्री. तो एक यूनिट ये भी आ गई. ये क्या है? एसआई यूनिट्स, ठीक है. जितने भी हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो सारे किसे फॉलो करते हैं? ओम्स लॉ को, ठीक है. मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स फॉलो कह लो या फिर या ओबे कह लो ओम्स लॉ. वो किसे फॉलो करेंगे? हमारे ओम्स लॉ को, ठीक है. ये तो आगे एक टर्म जाती है आर यानी कि रेजिस्टेंस. दूसरी टर्म हमने अभी यहां पर पढ़ी, दैट इज कंडक्टेंस. तो इसी रेजिस्टेंस का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस. अगर हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लें तो वो मेरा क्या बन जाएगा? कंडक्टेंस बन जाएगा. अब रेजिस्टेंस के यूनिट क्या थे? ओम्स. तो कंडक्टेंस के यूनिट क्या हो जाएंगे? ओम इनवर्स, ठीक है. तो आप इसके यूनिट ओम इनवर्स ले सकते हो, या फिर इसका जो मोस्ट कॉमन यूनिट आता है वो होता है सीमेंस, ठीक है. और कई जगह पे इसे मो से भी लिखा होता है, मोह, ठीक है. तो वन सीमेन हमारा वन ओम इनवर्स के ही बराबर है, ठीक है. एक ही यूनिट है. तो कई जगह सीमेन भी बहुत कॉमन यूनिट है और ओम इनवर्स भी इसका बहुत ज्यादा कॉमन यूनिट है.
ठीक है। तो ये आ गया कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। डन, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक अभी इसी में हमें और डिफाइन करनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक, हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के साथ हमें पढ़नी है इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब इसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। हमने ऊपर एक टर्म पढ़ी है, दैट इज आर, यानी कि रेजिस्टेंस। दिस आर रेजिस्टेंस जो होता है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। एल यानी कि लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये चीज भी आपने लोअर क्लासेस में बहुत बार पढ़ी है, टेंथ तक में बहुत बार है आर वाली ये वैल्यू रेजिस्टेंस की। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके क्या आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो आर इज दिस, ये आ गया। अब इस डायरेक्टली का सिंबल हटाते हैं, यहां पर एक टर्म आती है दैट इज रो। ये रो है हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी, बिकॉज आर से निकली है तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब जैसे हमने आर का रेसिप्रोकल किया था, उसे हमने कहा था कंडक्टेंस, ऐसे ही इस रो का भी हमारे पास रेसिप्रोकल होता है। उस रो के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं कापा। ये क्या है हमारा कापा, के इस ये है, जैसे वो कंडक्टेंस था, ये क्या हो गया कंडक्टिविटी। तो ये आ गया हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और सिंपली आप बोल सकते हो कंडक्टिविटी। ठीक है, हमने ये पढ़ना था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, वो हमने निकाल लिया। तो ये रो हमारा क्या हो गया कापा। ऐसे अभी हमने पीछे पढ़ा था आर को, हमने 1/C पढ़ा था। ठीक है, तो मैं यहां पर ले सकती हूं इसमें, यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। 3 में पुट कर दो, आर क्या था 1/C और रो क्या है 1/K। दिस इज कापा, इसे हम कापा बोलेंगे। ठीक है, और इनटू क्या एल अपॉन ए। डन, हमें के को निकालना है, यानी कि स्पेसिफिक जो हमने कंडक्टिविटी ली है कापा, इसको निकालना है। तो के इधर ले जाओ, दैट इज सी इंटू एल अपॉन ए। डन, ये आ गया मेरे पास। अगर मेरा एल की वैल्यू ऑफ 1, एल क्या है लेंथ यानी कि सेंटीमीटर, ए क्या है एरिया यानी कि 1 cm², तो हमारे पास के किसके बराबर हो जाएगा, सी के। सी इज कंडक्टेंस, के इज कंडक्टिविटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इज सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज हम यहां किसकी बात करें इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन when length of conductor is 1 cm and area of cross section is 1 cm³। I repeat, कैसे define करेंगे, ये क्या है हमारी specific conductivity। Specific conductivity of a solution of electrolyte is defined as C is conductance, conductance of solution when length of conductor is 1 cm and area of cross section is 1 cm². ये आ गई हमारी क्या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। डन, अब आते हैं इसके यूनिट्स पे। पहले यूनिट्स निकालते हैं रो के। ठीक है, यहां से देखो रो क्या था, रो मेरा किसके बराबर है आर ए अपॉन एल के। ठीक है, आर इज ओम, ए इज एरिया यानी कि cm² अपॉन cm। तो ये आ गया मेरे पास यूनिट ओम cm। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इसके यूनिट और ओम मीटर। अगर मैं यहां मीटर लेती तो ये आ जाती, ये रो की यूनिट है। अब रो और कापा एक दूसरे के क्या इनवर्स है, 1 is kappa = 1/rho। तो 1/rho, तो यूनिट भी क्या आ जाएंगे 1/ohm cm। तो यूनिट आ गए ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है,
अभी मैंने कहा था जो ओम इनवर्स है वो मेरा किसके बराबर है, सीमेंस के, एस के, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, एस सेंटीमीटर इनवर्स और एस मीटर इनवर्स, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। आप इसे मीटर इनवर्स में लिख लो, सेंटीमीटर में, जैसी आपको वैल्यू गिवन होगी आप उसे इस फॉर्म में निकालोगे, डन, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। अब अपनी अगली क्लास में हम इसी से आगे मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि आगे टॉपिक है ना, अभी तक हमने इतना पढ़ा है, अभी हमें इक्विवेलेंट एंड मोलर पढ़ना है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इसी के पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।